भैया आप दिन में कई बार भी आए होंगे राम मंदिर अयोध्या में, तो आपको रात का सीन दिखाता हूँ। दिन में तो आप कई बार देख चुके होंगे, हो सकता है तो मैं आपको रात का व्यू दिखाता हूँ कि रात में राम मंदिर कैसे होता है, कैसे दिखता है, राम मंदिर का व्यू कैसे आता है, क्या ब्यूटीफिकेशन होता है, कैसे दिखता है। तो यह देखिए सामने बोर्ड लगा है राम जन्मभूमि परिसर का, हमारे ठीक पीछे है सामने बिरला धर्मशाला, और ये लगा है गेट। ये गेट है, थोड़ा सा पूरा एक बार में आ नहीं रहा, इतना दूरी इतना बड़ा बनाया गया है। तो ये भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ है एक्चुअली। अब चलते हैं, एंट्री कर गए हैं भैया। जय श्री राम का आप जयकारा लगा सकते हो, कहीं भी है बोलिए जय श्री राम। तो आप दिन में आओगे तो ये आपको वेदर प्रूफ सेट मिलेगा, इसके नीचे से आपको जाते रहना है, और आप व्हील चेयर से आओगे तो एक्सट्रीम राइट वाले लेन को फॉलो करना है, यहाँ पे गेट पे ही व्हील चेयर अवेलेबल रहता है, और वहाँ पे आपको सेवा समिति लगा हुआ है उसके अंदर आप बैठ सकते हो। तो थोड़ा जल्दी में चलते हैं क्योंकि 10 बजे मंदिर हो जाएगा बंद, अभी 10 मिनट बाकी है खाली बस। तो भाई अभी इस तरफ गेट की तरफ में भीड़ ज़्यादा है, और अभी अंदर की तरफ मैं चलता हूँ। वॉकेबल डिस्टेंस पे है, मान लो आधा किलोमीटर, मैक्सिमम डाटा देने की कोशिश करूँगा कि राम मंदिर आप आओगे तो दर्शन कैसे कर सकते हो। अभी चलते समय सांस चढ़ने लगता है, बोल नहीं मिलता है, ध्यान भटकने लगता है कि क्या बोलूं। तो आपको दिखाते हैं, आप इसी वे से अंदर जाओगे दिन में, इस टाइम थोड़ा रात में थोड़ा खाली हो जाता है। और ये है रात का व्यू राम मंदिर, सामने देखिए क्रेन से काम चल रहा है, जो बीच में छोटा सा सजाया हुआ मंदिर दिख रहा है वो है अमावा मंदिर। एक बार मैं दिन में आके वीडियो बनाया था तो आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद, और सोचा कि आपको रात का वीडियो दिखाता हूँ कि रात में क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं, कैसे दिखता है। सुग्रीव किला राम चिकित्सालय लेफ्ट टर्न पे है, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सामने, श्री हनुमानगढ़ी यहाँ से राइट टर्न करने पे आ जाएगा। थोड़ा सा जल्दी पहुंच के मंदिर तक जाना है इसलिए थोड़ा तेज़ वॉकिंग कर रहा हूँ, सांस चढ़ रही है। इसी बीच में आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तो भैया प्लीज़, और कमेंट में जय श्री राम भी लिख दीजिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा दर्शन हो जाए। बीच में क्या होता है, मोबाइल वोबाइल जमा करना पड़ता है, तो आन रिक्वेस्ट या ऊपर से परमिशन लेके ही मोबाइल अंदर जाता है, वो एलिजिबिलिटी मेरे अंदर है नहीं, तो जहाँ तक तो मोबाइल जाएगी वो मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करूँगा। अभी मुझे 3:35 हो गया है गेट से चले हुए, और बहुत तेज़ करीब 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, तो मान लो 3 मिनट में यहाँ तक आ गया हूँ, तो ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा मेरा आकलन नहीं है दूरी कितना है। ये भीड़ के चक्कर में तेज तेज आ रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है कि कितना दूर आया हूँगा, लेकिन 800 या 1 किलोमीटर आ गया हूँ, 800 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास आ गया हूँ। हाउ ये देखिए एग्जिट भी है, यहाँ से कराते हैं आपको एंट्री में मैं चल रहा हूँ, ये एग्जिट का आपको इधर से कराएंगे। अब यहाँ से आके तो सामने अमावा मंदिर है, अमावा मंदिर में आप कभी भी लंच कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी कभी भी आप यहाँ पे अगर राम मंदिर आते हो तो 9:30 से पहले आइएगा, मैं लेट हो गया हूँ तो अभी नहीं अंदर जाने मिलेगा किसी भी तरीके से। ये काउंटर से आप चेक इन करोगे और अंदर में जाके ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी जन के जो प्रशासन की चीज़ें हैं उसको कभी भी किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट नहीं मानती हैं,
वो एक प्रकार से अच्छी चीज़ें हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो भी पूरे दिन भर थके होते हैं, दिन भर काम किए होते हैं, थके रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। पूरा दिन भर उनका ड्यूटी रहता है 24 घंटा का, तो उनका भी आप रेस्पेक्ट करिए, उसे ज़ोर जबरदस्ती ना करें। तो अभी मैं लौटता हूँ वापस, और ये आपको थोड़ा सा डाटा बता देता हूँ। एंट्री आप यहाँ से करोगे और घूम के दर्शन कर रहे होगे। सामने की तरफ में आपको अगर देखोगे क्रेन एक का पोल दिखा देता हूँ। ये देखिए क्रेन का जो पोल है ना, ये दिख रहा है, बाकी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ये क्रेन का पोल लगा हुआ है, मंदिर जो बन रहा है उसके नीचे ही मंदिर है, और वहाँ से आप एंट्री करोगे। एंट्री कहाँ से करोगे, जहाँ से चेक इन होती है, यहाँ से करोगे चेक इन। चेक इन के बाद में सब कुछ होने के बाद दर्शन वर्शन जब आपका हो जाएगा तो आपको एग्जिट इधर से करोगे। नहीं तो सुबह 6:30 बजे राम मंदिर खुल जाता है और रात में 9:30 बजे तक एंट्री रहती है। तो आप अगर दर्शन करने आ रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि सुबह 6:30 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक का ही एंट्री है। और चलते हैं, देखते हैं आपको हनुमानगढ़ी की तरफ से, जो आपको लिंक रोड है, अगर आप इधर से आते हो तो आप हनुमानगढ़ी जाना है, तो हनुमानगढ़ी जाने के लिए ये आपको एक लिंक रोड दिखा देता हूँ। और शॉर्टकट सामने ये मंदिर की बात कर रहा था, जो अमावा मंदिर है, जो थोड़ा बहुत दिख रहा था। इस अमावा मंदिर में सुबह 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे खाना खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। तो आप कभी भी आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हो, और अगर आपका श्रद्धा है तो वहाँ पे डोनेट भी कर सकते हो। और एक आधार कार्ड चाहिए होता है, एक आधार कार्ड पे एक कूपन में 20 लोग का नाम लिख देता है, वो 20 लोग एक बार में चले जा सकते हो, मैक्सिमम 20 लोग जा सकते हो एक आधार कार्ड के एक टोकन पे। तो उस तरीके से आप जितने लोग हो उतने आधार कार्ड आपको उस मंदिर में खाना खाने के लिए ज़रूरी होता है, और क्वालिटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अभी चलते हैं हनुमानगढ़ी की तरफ, लिंक रोड की तरफ से। अभी काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा खुदाई उदाई हो गया है, आप सामने से ही आइएगा। ओके, पीछे से दिखाओगे, देखते हैं कहाँ से चलेंगे। हाँ, अभी बहुत डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, सड़क वड़क खोद दिया गया है पूरा, लेकिन अगर 5 साल बाद जब आप अयोध्या आओगे ना तो वो जो मज़ा आपको दिखेगी। तो अब मुझे याद करोगे यार, कोई वीडियो डाला था और उस वीडियो में और आज के दिन में कितना अंतर है। वाह, देखो कितनी बिल्डिंग नई बन जा रही है पूरी। मैं रात में 10 बजे वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। तो पहुँच गया हूँ अभी कहाँ, अमावा मंदिर जिसकी बात कर रहा था ना, अमावा मंदिर। अगर अमावा खुला तो खाना खाते और ऊपर से देखते हैं। हाँ, जो रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता यहाँ निकालेगा, यहाँ तो लेफ्ट साइड जा नहीं सकते हो, बैरिकेटिंग किया गया है, यहाँ से करेंगे राइट टर्न और ये हनुमानगढ़ी सीधे निकाल देगा इससे पहले। तो ये है अमावा मंदिर, और अमावा मंदिर में चलते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सुबह के टाइम 11:30 से 3:30 के बीच में, अभी शायद बंद हो गया है ये रास्ता, बंद है, एंट्री कोई दूसरा है, एंट्री इस तरफ से है। नहीं, हाँ, ये भैया अमावा मंदिर आपको दिखाता हूँ। देखिए अमावा मंदिर, अमावा राम मंदिर, और ये रही सामने की क्रेन जो मैं आपको बहुत देर से दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये वो क्रेन है जो राम मंदिर का ऊपर का जो त्रिभुज जैसा आकार होता है ना, 5 आगे और 1 सबसे ऊंचा वाला जो दिख बन रहा है ना, बहुत भव्य वाला, वो ये बना रहा है क्रेन। चलते हैं राम मंदिर अमावा दिखाते हैं आपको। फूड फॉर लाइफ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, दिन में 11:30 बजे से प्रभु इच्छा तक, या नॉर्मली 3:30 बजे तक ये मिलता है, वही जगह है। तो ये देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, इस टाइम भी लोग भीड़ लगाए हैं। तो प्रसाद का आपको दिखाते हैं, नॉर्मली खिलाते कहाँ हैं, तो करीब 1 लाख लोग या 50,000 लोग डेली खाते हैं। और शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ ये पटना का हनुमान जी का मंदिर है, ये कोई वहाँ के ट्रस्ट है उस मंदिर का, यहाँ पे खाना खिलाता है।
और ये जगह है, इसके अंदर में आपको बैठाता है और लगातार एक बार में 500 लोग 1000 लोग फिर आते हैं। और यहाँ से जस्ट बगल में ही राम मंदिर बन रहा है, ये वाला। और अगर आप अयोध्या विजिट करने आते हो तो इस तरीके से भी इन लोगों के साथ में अपना व्यवस्था करके अगर आते हैं, कुछ चद्दर उद्दर लिए रहेंगे, बेड शीट लिए रहेंगे, तो नीचे आप डाल के आप लेट सकते हो, सो सकते हो, ये भी बहुत सेफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी हैं सामने, भगवान शंकर जी हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ में। और अभी हनुमान मंदिर भी बंद हो गया होगा। तो राम मंदिर के साथ में दुकानें भी बंद होने लगी हैं, तो आप उस तरीके से अपना दर्शन वर्शन प्लान करिए, खाना वाना टाइम से अपने व्यवस्था किसी भी होटल में रेस्टोरेंट में खा सकते हो। और जैसा कि एक ट्रेडिशन होता है हिंदू धर्म में, जहाँ पे कहीं भी हम स्पिरिचुअल प्लेस पे जाते हैं, तो वहाँ से अगर आपको कुछ प्रसाद लेना है और ये कुछ यहाँ के सिंबल आपके लेने हैं, जैसे हो गया कि मंगलसूत्र या जो भी इयर रिंग्स या कंगन चूड़ियाँ बच्चों के लिए, वो सब यहाँ पे बहुत ढेर सारी दुकानियाँ हैं। मैं अभी अमाऊ मंदिर से ठीक सामने जो लिंक रोड से आया था, वही रोड फॉलो करते हुए आपको हनुमानगढ़ी की तरफ दिखाते हैं कि हनुमानगढ़ी कैसा है। जब वो रोड नया नहीं बना था भगवान राम का मंदिर वाला, तो ये रास्ते से लोग राम मंदिर आते थे, जो कि बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। जो गली से अभी आया था उतना चौड़ा गली था, करीब ये जो आपको नीचे स्लैब दिख रहा है ना, 2 स्लैब या 3 स्लैब जितना चौड़ा था। और अभी आप देखिए, हमें लगता है कि ये 4 लेन तो डायरेक्ट हो गया, 6 लेन टाइप में सड़क तोड़ दिया गया है। कैमरे में एक बार में क्लियर उतना आ नहीं पाता है, तो एक मोटी मोटा आइडिया रखिए 6 लेन चौड़ा हो गया है, 4 तो हो ही गया है किसी भी कंडीशन में, नो डाउट। ये इस रास्ते से बहुत पहले जब आते थे, जब वो उधर का सड़क नहीं बना था तब। और आगे से जब लेफ्ट टर्न कर जाओगे तो कनक भवन चला जाएगा। सब पास पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे गीता प्रेस की किताब मिल सकती है आपको, जो भी किताब आपको चाहिए होगा ये सब मिल जाएगा। ये कोई पेड प्रमोशन इनका नहीं कर रहा हूँ मैं। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे, वाह, अब दर्शन कर लिए भैया हनुमान जी का। ज्येष्ठ का अंतिम ज्येष्ठ महीने का अंतिम मंगलवार है, तो उस दिन का जय बजरंगबली, दर्शन कर लीजिए आप भगवान राम का दरबार। वाह, विराट रूप, और कृष्ण भगवान हैं, माता जी हैं, और दानवीर राजा हरिश्चंद उनकी प्रतिमाएं लगाई हुई हैं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज यही रहता है कभी भी, कि आप जब सर्च करते हो कि कैसा है, तो मैं लेटेस्ट डाटा आपको दे सकूं कि आज की डेट में 10 जून अगर आज 18 जून है, 18 जून 2024 है, तो आज की डेट में क्या है, रात में अगर 11 बजे देखोगे क्या है, कहाँ कैसे मिलेगा, क्या खाएंगे, फूड फॉर लाइफ, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप यहाँ पर खाना खा सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि स्ट्रीट फूड तो अच्छा होता ही है, इनके यहाँ भी खाया करो, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो और भी अच्छा मिलता है। कि यहाँ पे जैसे कुछ यूनोचुने रेस्टोरेंट्स होंगे, आप यूट्यूब में या कभी गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं उनका नाम रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर वहाँ पे जाओगे और खाना आपको अच्छा नहीं मिला तो आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और जैसा कि देखिए बाहर में एक मंदिर का जैसा POP का डिज़ाइन बनाया गया है, सभी का बाहर का डिज़ाइन एक ही जैसा होगा। पार्किंग निषेध लिख दिया है, गाड़ी मोटर कुछ खड़ा नहीं करना है, आ नहीं पाएगा तो रखो खड़ी कहाँ करोगे, उसके लिए चिंता मत करिए। और यहाँ पे राजा महल का देखिए, राजा महल ये पहुँच गए हैं अभी, ये भी रंगाई पुताई चल रही है। ये महल का क्या नाम है यार, हाँ आगे लिखा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि भूल गया हूँ, मैं भी यही कुछ लिखा था ना,
जानकी महल, राम जानकी महल है ना, दशरथ महल है, हाँ राम जानकी महल है यार भैया, राम जानकी महल है दशरथ महल है, ये है भैया दशरथ महल एक्चुअली। तो अभी इसका रंगाई पुताई चल रहा है, कभी भी आइए तो यहाँ भी विजिट करने का स्थान होता है, कभी भी आप यहाँ विजिट कर सकते हो। बंद हो गया कनक भवन, हनुमानगढ़ी है सामने, हनुमानगढ़ी आपको दिखाते हैं। तो आप पीछे से आओगे तो राइट टर्न कर जाना हनुमानगढ़ी के लिए, लेफ्ट टर्न कर जाओगे तो आप कनक भवन के लिए चले जाओगे। तो मैं करता हूँ राइट टर्न, जैसा आपका आपको वीडियो का लोकेशन जानने के लिए आपको दिखा देता हूँ। अयोध्या में आपका स्वागत है। और बहुत पुरानी कहावत है, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये सब चीज़ें आपको पता ही होगा। देखिए लगभग पहुंच गया हूं, थोड़ा दूर और बचा हुआ है हनुमानगढ़ी के लिए। और देखते हैं मंदिर, हनुमानगढ़ी शायद 10:30 बजे तक खुला रहता है ना, हनुमानगढ़ी कितने 10:30 तक खुला रहता है। कभी भी जब हनुमानगढ़ी में आता हूं तो दिन में ही आता हूं, रात में कभी आया नहीं, तो टाइमिंग मुझे एक्चुअली पता नहीं है। तो अभी 10:15 बज रहा है, तो देखता हूं कितने बजे तक खुला रहता है। बीच में बच्चों के लिए इन्होंने कार में लगाने के लिए इन्होंने क्या रखा हुआ है, मंदिर अंदर रखा हुआ है कुछ जुगाड़। रात में आने में, गर्मी के दिन में तो ये फ़ायदा है कि वो धूप से बच जाओगे, चिलचिलाती हुई धूप जो आपकी हालत ख़राब कर देगी उससे बच जाओगे। रात में भी देखे कितना एक्टिव है अयोध्या। ये है कार नॉर्न बेच रहा है, ये क्या बेच रहे हो भैया? हेलो, ये शायद ये भुट्टा बेच रहे, हमारे भुट्टा बोला जाता है, क्या बोलते हो? स्वीट कॉर्न बोल रहा है इसको, कैसे देते हो? 40 का 50 कितना कितना रहता है? 40 वाला ये। अच्छा, इस कप में 40 रुपये के देते हैं और बड़े वाले कप में कितने देते हो? 50 रुपये का देते हैं वैसे। ठीक है, थैंक यू। ये चीज भी यहाँ पे लोग भुट्टा उबाल के भी बेच ले रहे हैं यार, हमारे यहाँ तो हाँ 10 रुपये का बाली देता है भुट्टे का, उसको हम तो छिलके वैसे ही खा जाते हैं। आप कैसे खाते हो आप उसको कमेंट करके बताइए। बहुत सिंपल ट्रिक होता है, लोग ज़्यादा पैसा ले लेते हैं क्योंकि मेहनत भी बहुत ज़्यादा उसमें रहता है। आप उनके मेहनत का भी थोड़ा सा, एफर्ट का भी थोड़ा सा आप पैसे ऐड करके, कोई ज़्यादा नहीं मांग रहा है, सही मांग रहा है वो रेट, एक जेन्यून रेट है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि जब से अयोध्या थोड़ा सा बना है, राम मंदिर ओपन हुआ है, तो थोड़ा सा स्लाइटली महंगा हो गया है, ये तो मैं एग्री करता हूँ। पहुँच गया हूँ मैं, सही पहचान गए हैं, हनुमानगढ़ी पहुँच गया हूँ भैया। आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी। वाह, दिन में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए ऊपर टेंट लगाया गया है। ये देखिए भैया, धूप होती है ना, इस धूप से बचने के लिए यहाँ पे टेंट लगाया गया है, टेंट बहुत दूर में लगाया गया है। ये भैया हनुमानगढ़ी पहुंच गए, देखिए हनुमानगढ़ी। और आगे की जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है। तो ठीक है, बाकी भैया वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। थैंक यू।